नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ओपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी वन में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम अपना जो पेन सीरीज हमारा चल रहा है इन गायनेकोलॉजिकल कंडीशन, तो उसका थर्ड वीडियो आपके सामने लाए हैं। जो तीसरा और सबसे कॉमन, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है पेन होने का लेडीज में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में स्पेशली, वो है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस वजाइनल इन्फेक्शंस, वल्वल इन्फेक्शंस, सर्विक्स के इन्फेक्शंस, यूट्राइन इन्फेक्शंस, कुछ भी हो सकता है, या और आगे जाएं तो फलोपियन ट्यूब्स और पीआईडी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि पेशेंट को कौन सा इन्फेक्शन है और कहाँ का इन्फेक्शन है, वो तो हमको ऑब्वियसली फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चलता है। तो इसलिए अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे पास आएँ एंड यू शुड गेट योर सेल्फ चेक्ड। बिना चेक के कोई भी फ़ोन पे अगर आपको मेडिसिन बताते हैं तो आपको वो प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग इन्फेक्शंस की अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। कॉमनली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, जिनको इचिंग या खुजली की शिकायत रहती है, और उसके अलावा उनको जैसे वाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, या उनको पेट में कॉन्स्टेंटली पेन रहता है, और वो पेन किसी भी तरह के एंटीबायोटिक या पेन किलर जो बाहर दी जाती हैं उनसे नहीं जाता। तो ऐसी कंडीशंस में ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, और एक इन्फेक्शन के लिए हम स्वाब लेते हैं कल्चर के लिए, और उसके अलावा उनके ब्लड टेस्ट कराते हैं। ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी हम एक प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स पेशेंट को बना के दे सकते हैं। और काफ़ी केसेस में ये भी देखा गया है कि इन्फेक्शंस के लिए हमको हस्बैंड्स को भी ट्रीट करना होता है। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को स्पेशली बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो हस्बैंड को भी पूरा उसमें शामिल करके, उनको ट्रीट करके, तभी पेशेंट को हम कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर वल्वल इन्फेक्शंस की बात की जाए, तो उसमें सबसे कॉमन होता है कैंडिडल इन्फेक्शन, जिसमें कि पेशेंट को कॉन्स्टेंटली इचिंग, रेडनेस और डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। वल्वो वजाइनाइटिस बेसिकली ये साथ साथ जाता है, जिसमें वल्वल और वजाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो इन केसेस में ही हम पेशेंट को सिंपल इनिशियली तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देते हैं, बट अगर उनका इन्फेक्शन नहीं जाता, उनको बार बार शिकायत रहती है, तो उनके कल्चर स्वाब्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, वो है पीआईडी। जैसे मैंने कहा, जो असेंडिंग इन्फेक्शंस होते हैं यूट्रस के, फलोपियन ट्यूब्स के, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसको बोलते हैं, उस वजह से पेशेंट का पेन कॉन्स्टेंटली रहता है, और आगे जाके उनको इनफर्टिलिटी की शिकायत भी हो सकती है, मतलब बांझपन। इस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को आगे प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसका सही समय पर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार हमको पेशेंट्स को एडमिट करके इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं, और हम इट इज़ वेरी डिससैटिस्फाइंग और बहुत ही बुरा लगता है ये सुन के, जब पेशेंट्स को बाहर ये सलाह दी जाती है कि इन्फेक्शन के लिए आप अपनी बच्चेदानी निकलवा दो। कोई भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं होता जिसके लिए बच्चेदानी निकलवा दी जाए। इन्फेक्शन का सबसे पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, और बच्चेदानी निकाल के इन पेल्विक इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं होता। तो सही सलाह के लिए और सही उपचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।